गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए हम आप और हम एक नए बिंदु पे आते हैं जिसका फर्टल क्रॉप के रूप में चर्चा करें हम जिसकी हम फर्टल क्रॉप के रूप में चर्चा करें चारे वाली फसलें और गोवंश को बचाने के लिए या पशुओं को मुख्य रूप से आहार देने के लिए जिन फसलों का हम प्रयोग करते हैं उनमें रिजका और बरसीम बहुत ही महत्वपूर्ण दो फसलें हैं। ये पशुधन को उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम चर्चा करें पहली फसल। दो फसलें आपके कोर्स में हैं। पहली फसल रिजका। रिजका का वानस्पतिक नाम मेडिकागो सेटाइवा है और इसको फेबेसी कुल के अंतर्गत या लेग्यूमेसी कुल के अंतर्गत रखा गया है। इसका उत्पत्ति केंद्र पश्चिमी ईरान है। सामान्य जानकारी आपको इतना समझना है कि यह फसल मुख्य रूप से पशु चारे के रूप में काम में ली जाती है, इसलिए इसको हम रिजका को हम चारे की रानी के नाम से भी जानते हैं। पशु चारे के रूप में इसके प्रयोग के अलावा इसका प्रयोग हम हरी खाद के रूप में करते हैं। आपने दूसरे चैप्टर में हरी खाद के उगाने, उसको बनाने, उसको देने की विधि के बारे में समझा था। यह हरी खाद के रूप में भी काम में ली जाती है रिजका। इसकी खेती हम कैसे करेंगे इसकी जानकारी आपको दूं मैं। ये शीतोष्णीय और समशीतोष्णीय प्रदेशों में उगने वाली फसल है। ये बहुत ही कम ताप को सहन कर लेती है और बहुत अधिक ताप को भी सहन कर लेती है। यानी दोनों परिस्थितियों में यदि इसको ग्रो किया जाता है तो ये इजीली ग्रो हो जाती है। इसको हम कैसे तैयार करेंगे? इसको हम सर्दियों में उगाते हैं मुख्य रूप से। सर्दियों में उगने वाली फसल यानी कि रबी क्रॉप के रूप में इसको जाना जाता है, लेकिन आप इसको अन्य अवधि में भी काम में ले सकते हैं उगाने के। राजस्थान में ये सर्दियों में उगाई जाती है। अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा जिसका पीएच 6.5 हो या 7 और अधिकतम 8.5 तक हो, उस मृदा में इसको उगाया जा सकता है। आप खेत को तैयार करने से पहले मिट्टी पलटने वाले हल या जो भी आपका पास देसी हल है वो, या हैरो या कल्टीवेटर जो भी है जिससे कल्टी देते हैं, इसका प्रयोग करके एक तो आप गहरी जुताई करें। एक जुताई कैसी करें? गहरी। और उसके बाद में एक दो जुताइयां और, कुल 2-3 जुताइयां करके मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है। फिर इसमें किसी प्रकार के ढेले आ जाते हैं तो उसको तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद में पाटा या सुहागा लगाकर मिट्टी को समतल किया जाता है। एंड देन आफ्टर आप इस फसल को उगा सकते हैं। इसके लिए आपको उन्नतशील किस्में काम में लेनी है। आनंद फर्स्ट और आनंद सेकंड। आनंद
फर्स्ट आनंद, सेकंड विवेकशील भी है एक फसल सिलेक्शन, फर्स्ट चेतक और सिरसा सिलेक्शन, चेतक सिरसा ये उन्नतशील किस्म भी इसमें है। आप इस फसल को लेने के लिए कितना मात्रा में बीज लेंगे प्रति हेक्टर और उस बीज को किस प्रकार से उपचारित करके काम में लेंगे, तो आप प्रति हेक्टर कितना बीज लेंगे 20 से लेकर 25 किलो बीज आपको प्रति हेक्टर की दर से काम में लेना है। और इस बीज को काम में लेने से पहले आप 2% हल्के नमक के घोल में NaCl के घोल में डुबोकर उसके बाद इसको सुखाकर बोया जाता है, काम में लिया जाता है। इससे क्या होगा कि जो हल्के बीज होंगे, कमजोर बीज होंगे, वो तैर कर ऊपर आ जाएंगे, उसको आप अलग कर लो, और जो अच्छे बीज किस्म के होंगे उसकी आप बुआई में काम ले सकते हैं। और यदि आपने इसकी बुआई, एक तो बीज छिड़क के की जा सकती है, बीज छिड़क कर बुआई का मैं तरीका बताऊं आपको, एक तो बीज छिड़क कर और बीजों को कतारों में बोकर। तो यदि आप बीजों को छिड़क कर बोते हैं तो आपको प्रति हेक्टर बीज चाहिए 20 से 25 केजी, और यदि आप इसको कतारों में बोते हो तो आपको बीज काम में लेने हैं 15 केजी प्रति हेक्टर। बुआई का समय देख लीजिए, फिर आप इसको एवेन्यू को देख लीजिए इसका। तो बुआई का समय अक्टूबर और नवंबर के मध्य है। बुआई कब की जाएगी, क्योंकि आपने, मैंने बोला आपको कि यह कैसी फसल है, सर्दियों की फसल है, तो सर्दियां अक्टूबर नवंबर में आती है, तो अक्टूबर के उत्तरार्ध में और नवंबर के पूर्वार्ध में इसको बोया जाता है। मैंने आपको बोला कि बीज को छिड़क के बोते हैं, यदि बीज को कतारों में बोते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी का भी आपको पालन करना है, और लाइन से लाइन की दूरी आपको रखनी है 20 से 25 सेंटीमीटर। और फिर आपको पौधे से पौधे का भी ध्यान रखना है, वो आपको रखना है 5 से 10 सेंटीमीटर। बीज की गहराई महत्वपूर्ण नहीं है इसमें, इसमें आपको बीज क्या करते हैं, छिटक कर बोते हैं, तो गहराई महत्व तो नहीं रखती है, छिटक कर बोते हैं और कतारों में बोते हैं तब आपको इसकी गहराई भी देखनी पड़ती है, वो 3 सेंटीमीटर के आसपास इसकी गहराई होनी चाहिए। और जो आपने फसल रिजका की बोई है उसके अंदर आपको खाद और उर्वरक का भी ध्यान देना है। खाद और उर्वरक नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटास नहीं, सड़ी गोबर की खाद भी आप जिस वक्त जुताई करते हैं उस वक्त इसको काम में ले सकते हैं। मिट्टी में इसको मिला दी जाती है सड़ी गोबर की खाद को, और सड़ी गोबर की खाद 10 टन और अन्य खाद जो है नाइट्रोजन 20 केजी, फास्फोरस 30 केजी। सिंचाई मैंने आपको बताया कि यह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस को सहन करने वाली फसल है,
इसलिए इसमें ज़्यादा सिंचाई की भी ध्यान आपको नहीं देना है, लेकिन सर्दियों में अभी फसल है तो 15 से 20 दिन के बाद सिंचाई करते हैं, और गर्मियों में 10 से 12 दिन के बाद सिंचाई की जाती है। जब ये फसल आप हरी खाद के रूप में काम में लेते हैं तब इसके ग्रो होने के बाद में, ज़्यादा फलन होने के बाद में नहीं, तुरंत इसको काट दी जाती है और हरी खाद के रूप में काम में ली जाती है। और यदि इसको चारे के रूप में काम में लेनी है तब यह इसको ग्रो करने दिया जाता है, कुछ बढ़ने दिया जाता है, फिर इसकी कटाई कर ली जाती है। खरपतवार उन्मूलन यानी कि जो निराई गुड़ाई है इस पे भी ज़्यादा ध्यान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको उस उसमें भी ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि ऐसी कोई खरपतवार उसके अंदर नहीं पनप रही हो जो पशुधन को नुकसान पहुंचा रही हो, उसके प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचा रही हो, दूध वाले जो गोवंश हैं या बकरी है या वगैरह है, तो उससे दूध इस प्रकार से प्रभावित ना हो, तो इसलिए हम खरपतवार उन्मूलन पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो फसल बुवाई के उगने के बाद ही हम इसको करते हैं, और इसके लिए रासायनिक खरपतवार नियंत्रण भी हम काम में लेते हैं, तो पैडी मिथाइलिन मुख्य रूप से इसको काम में ले लें। पैडी मिथाइलिन एक केजी सक्रिय तत्व 1000 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव किया जा सकता है। ठीक है, अब हम इस फसल में किस किस प्रकार के रोग हो रहे हैं उन पे भी थोड़ी जानकारी ले लें, उस पर चर्चा कर लें कि कौन कौन से इसमें मुख्य पादप व्याधियां हैं जिसका नियंत्रण बहुत जरूरी है। पौध संरक्षण हमारा अगला बिंदु है, पादप व्याधियों के रूप में आपने इसको देखा है, और हर फसल में जो हम लेते हैं वैसा का वैसा इस फसल में भी हम सबसे पहले कीट व्याधियों की चर्चा करेंगे, और कीट व्याधियों में सबसे पहले हम इल्ली और सेपीलू पर, इसके बाद में ज़्यादा ध्यान इसमें नहीं है क्योंकि इली है, सेपी लूपर है, अन्य कीट हैं, ये पशुओं के लिए जो हमने रिजगा फसल उगाई है इसकी पत्तियों को कुतर जाते हैं, इसलिए इसकी रोकथाम करनी है, क्योंकि हमने जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इसको उगाया है उसका उत्पादन कम करने में ये अपना निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए इसको हटाना है। इसके लिए हमारे को मेटासिस्टॉक्स या थायोडॉन, मेटासिस्टॉक्स या थायोडॉन, थायोडॉन ये दवा काम में लेनी है, और ये कितनी लेनी है, 1 लीटर दवा 1000 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करते हैं, तो ये जो चना इली है, इली में भी चना इली, जो चने पे इली आती है वो चना इली है, सेपिल ऊपर है, ये सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा ये कीटनाशक है जो मैंने आपको बताया, कीटनाशक कौन सा, मेटासिस्टॉक्स या थायोडॉन कीटनाशक,
एक लीटर इसको काम में लेते हैं। ज्यादा इसमें दूसरी कुछ नहीं है। अन्य व्याधियां को देख लें हम। इस पौधे पे रिजका है, इस पौधे पे ज्यादा आप ये नहीं समझें कि ये पशु चारे की फसल है और इसके ऊपर ज्यादा हमारे ऊपर संरक्षण पर ध्यान नहीं देना है। आपको हर फसल पर उतना ही ध्यान देना है जितना दूसरी फसलों पे देते हैं। आपकी ये मेंटेलिटी होनी चाहिए कि वॉट एवर, आप चाहे धान्य फसल ले रहे हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान दें, ऐसा नहीं। धान्य फसल दे रहे हैं तो भी उसके ऊपर उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन रखें जितनी आप फलीदार फसल पर रख रहे हैं, जितनी आप तिलहन फसल पर रख रहे हैं। और जितनी तिलहन फसल, फलीदार फसल और चारे खाद्यान्न फसल पे आप ध्यान दे रहे हैं, उतना का उतना ध्यान आप चारे वाली फसल पे दें। क्यों दें? क्योंकि इससे हमारा पशु है उसका न्यूट्रिशन निर्भर है, इसलिए पशु को हम अच्छा खिलाएं पिलाएं। और उसके अलावा हमने बताया कि रिजका, जिसको हम चारे की रानी बोलते हैं, इसका प्रयोग हम हरी खाद में भी करते हैं, इसलिए हम इस फसल को भलीपूर्वक लें, अच्छी तरह से लें। किसी प्रकार से रोग ग्रस्त हो जाए तो उसके ऊपर जो है असावधानी नहीं रखेंगे, क्या ठीक है जैसी आई वैसी ले लेंगे, ऐसा नहीं। उसको बिल्कुल आप रोग मुक्त करके काम में लें, ठीक है। तो अब अन्य व्याधियों में मृदु आसिता रोग, पाउडरी मिल्ड्यू रोग, ये फंगल डिजीज है। दिस इज ए सम टाइप ऑफ फंगल डिजीज। इसके अंदर पत्तियां खराब हो जाती है, पत्तियों के ऊपर हल्का सा मुरझान भी आ जाता है, कमजोर हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए आप 2 ग्राम कैप्टन, जो कवकनाशी है, 2 ग्राम कैप्टन, या फिर आप इतना ही थायरम लें, ये प्रति केजी आपको लेना है। जो आपने 20 से 25 केजी बीज लिए हैं छिड़कने के लिए, या आपने कतार में बोने के लिए 15 केजी बीज लिए हैं, तो 1 केजी पर इतनी आपको दवाई लेनी है, ठीक है। अब आप इसकी कटाई कर लें, क्योंकि यदि आपने चारे के लिए ली है या आपने हरी खाद के लिए ली है, तब भी आप इसको, इसकी पहली कटाई आप 1 माह बाद कर दें। पहली कटाई 1 माह बाद ही वापस ग्रो होगी, फिर इसकी आप दूसरी कटाई करें। पहली कटाई 1 माह बाद करें और 1 माह के अंतराल में और कर लें। और गर्मियों में आपको, यदि ये सर्दियों में है और यदि आपने गर्मियों में फसल बोई है, तो पहली कटाई आप 20 से 25 दिन के बाद करें। अब आपने इतना फसल बोया है प्रति हेक्टर चारे के रूप में या हरी खाद के रूप में, तो आपको उत्पादन कितना मिलता है? आपको कुल 7 से 9 कटाइयां करनी हैं, मिनिमम 5 है ना। पहली कटाई इस तरह से आप 7 से 9 कटाइयां ले सकते हैं, लेकिन कम से कम आप 5 से 6 कटाइयां लें। 5 से 5 नहीं, कम से कम आप 5 से 7 कटाइयां लें, और आप चाहें तो इसको 9 तक भी ले सकते हैं। मिनिमम 5 और 7, इन कटाइयों में आपको 700 से लेकर के 1000 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त होता है। वॉट सो वेयर इट मे बी फॉर फॉडर और फॉर ग्रीन मैन्योर, किसी भी रूप में आप इसको लें, आपको चारा इतना मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको जानकारी दी रिजका की फसल के बारे में। और अब एक फसल चारे के रूप में जो आपके कोर्स में है, वो है बरसीम। अगली फसल जो है वो बरसीम है, और
बरसीम का हम विवरण जान लें, इसका भी वानस्पतिक नाम, कुल का नाम, उत्पत्ति केंद्र और सामान्य जानकारी देख लें, उसके बाद में इसको कैसे खेत तैयार करके कैसे बोया जाता है, काम में लिया जाता है। ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम, एलेक्सिनम लीनियस, ये इसका फैमिली, इसकी फेबेसी या लेग्यूमिनोसी, उत्पत्ति केंद्र इसका एशिया माइनर में इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था। आपने इसको पढ़ा था चारे की रानी, है ना, रिजका को, बरसीम को पढ़ोगे आप चारे का राजा, चारे का सम्राट या चारे का राजा, ये क्या कहलाएगा, चारे का सम्राट या चारे का राजा भी इसको कहते हैं। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 17-21% इसमें प्रोटीन पाया जाता है, पशुओं को ये बहुत ही अच्छा लगता है, पौष्टिक है, स्वादिष्ट है, पशु इसको बहुत आसानी से और चाव के साथ खाते हैं। ये सामान्य सुपाच्य चारा है, सामान्य सुपाच्य चारा। इसको कैसे आप काम में लेंगे, उगाने के खेत कैसे तैयार करेंगे, किस प्रकार की मृदा और किस प्रकार की जलवायु, किस प्रकार की औसत वार्षिक वर्षा में ये उगता है, यह भी आपके शीतोष्ण प्रदेशों में या गर्मी वाले क्षेत्रों में भी इसको उगाया जा सकता है इस चारे को। और इसकी बढ़वार के लिए 25 डिग्री से लेकर 36 डिग्री तक का ताप भी अनुकूल माना गया है, 25 डिग्री मिनिमम, मैक्सिमम 36 इज रिक्वायर्ड। अच्छे जल निकास वाली चिकनी दोमट मृदा, लोमी सॉइल तो लगभग सारी फसलों में आपने काम में लेनी है, और पीएच भी आपने देखा सभी का लगभग एक प्रकार का ही पीएच जो है 7-8, 6.5-8, 6-7, लगभग इसी में ही हमने, यानी कि अम्लीय, उदासीन और हल्की क्षारीय, 8 का मतलब होता है क्षारीयपन, बहुत ज़्यादा क्षारीय है तो फिर आपको जिप्सम का इसमें उपयोग करना पड़ेगा उसको कम करने के लिए, ठीक है। अब जैसा आपने रिजगा में किया था वैसा ही इसमें मिट्टी पलटने वाले हल, देसी हल, कल्टीवेटर या हैरो को काम में लेकर के 2-3 जुताइयाँ करते हैं, 2-3 जुताइयाँ करके इस मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, और उसके बाद में पाटा या सुहागा लगाकर इसको समतल कर देते हैं, इसके अंदर किसी भी प्रकार के ढेले वगैरह हैं तो उसको हम तोड़ देते हैं, और मिट्टी को समतल करने के बाद में हम इसमें बुवाई करते हैं। और बुवाई करने से पहले हम लोगों को ये देखना है कि कौन सी इसके अंदर उन्नतशील किस्में काम में ली जाएगी, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट उन्नतशील किस्में, ये एक दो बार परीक्षा में सवाल पूछा गया है, खदामी
फूसा जॉइंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि एक दो बार परीक्षा में पूछा गया है। खदरा भी, फानी, मस्का भी, मस्का भी, फाहा भी, खदरामी, खदरामी, ये इसकी उन्नतशील फसलें हैं जिसको आप काम में लेंगे तो बहुत ही बढ़िया किस्म का उत्पादन होगा। और अब आपको देखना है कि कितना आपको बीज लेना है और उसको किस प्रकार से बोना है। और इसका बीज छोटा है, इसके अंदर कासनी खरपतवार के बीज भी हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए आप। बीज की मात्रा 20 से 25 केजी प्रति हेक्टर काम में लेनी है। बीज की शुद्धता पे पूरा ध्यान रखिए, भौतिक रूप से बीज शुद्ध होना चाहिए। आपको बताया गया था शुरू से भी कि भौतिक रूप से बीज जो है वो शुद्ध होना जरूरी है, आनुवंशिक रूप से बीज शुद्ध होना जरूरी है, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है ना। तो आपको 20 से 25 केजी या मैक्सिमम 30 केजी बीज काम में लेते हैं। और इसमें बीजों को 5% नमक के घोल में भिगो कर देते हैं, तो इससे हल्के बीज होते हैं या कासनिक बीज होते हैं वो तैर के ऊपर आ जाते हैं, उसको आप अलग कर लीजिए और उसके बाद में दूसरे वाले बीज हैं उसको छिड़क कर आप बो सकते हैं। और ये क्योंकि बीज हल्के हैं इसलिए बहुत ऊपर से आपको बीज हल्के हैं इसलिए बहुत ऊपर से आपको काम में नहीं लेना है, वरना ये उड़ के चले जाएंगे। हल्के बीज होने से आप ऊपर से आप छिड़क के बोएं लेकिन हाथ को नीचे रख के बोएं ताकि वो जमीन से कुछ दूरी आपके हाथ की रहे, वो थोड़ी ऊंचाई पे, ऐसा नहीं ऊपर से यूं फेंक रहे हो ऐसे उठे से, ऐसे ऐसे यदि आप फेंकेंगे तो बीज के उड़ के चले जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो बीज आपको इस तरह से डालते हुए बोना है, ठीक है। यह रबी की फसल है, सर्दियों की रबी फसल, सर्दियों में ही उगाते हैं इसको, जैसे कि आपने रिजका को उगाया था। तो इसकी बुआई कब करेंगे? इसकी बुआई अक्टूबर के उत्तरार्ध में तथा नवंबर के पूर्वार्ध में की जाएगी, क्योंकि मैंने बताया इसको छिड़क के बो सकते हैं तो आप छिड़क के बो सकते हैं छिड़का विधि से या कैरियों से, उसमें रैंक चलाकर भी काम में लिया जा सकता है। क्योंकि इसका बीज छोटा है आप चाहो तो कतारों में भी बो सकते हो, कतारों में भी बोना चाहिए तो आपको लाइन से लाइन की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी है, पौधे से पौधा 5 सेंटीमीटर भी दूर रहेगा तो चलेगा। और गहराई जो है ये ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण नहीं है गहराई, क्योंकि आपने छिटक के बोया है तो गहराई की महत्व है नहीं। और यदि कतारों में बोते हो तो 2 सेंटीमीटर गहरा भी बीज आप काम में डाल सकते हैं, लेने है आपको। खाद और बीज की बात करें, सड़ी गोबर की खाद भी ले सकते हैं, फास्फोरस ले सकते हैं। तो कितनी कितनी खाद लें अपन? तो 20 केजी आपने लेनी है नाइट्रोजन और 30 से 40 केजी लेनी है फास्फोरस।